सो आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपसे शेयर करूंगी आइकॉनिक का ये प्रोफेशनल 3-in-1 डीप वेवर। एंड आई थिंक ये आइकॉनिक का मेरा सेकंड प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था हेयर स्ट्रेटनर। आइकॉनिक ब्रांड की जो भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स हेयर स्टाइलर्स होती है गाइस, बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी सी कॉस्टली है, प्रोफेशनल्स से यूज़ करते हैं, हर पार्लर में आपको इसकी प्रोडक्ट दिखेगी। एंड वेबर मेरे पास 2-3 है, मैंने सोचा इस वेबर को ट्राई करते हैं बिकॉज ये 3-in-1 है। थोड़ी सी कॉस्टली है, 5,000 के आसपास इसकी प्राइस है। मैं इसे फर्स्ट टाइम आज आप लोगों के सामने ओपन करूँगी एंड यूज़ करके भी दिखाऊँगी कि ये कितनी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले मैं यहाँ पर छोटी सी एक क्लिप डालना चाहूंगी मेरी हेयर के रूटीन का। मुझसे आप लोग बार बार पूछते हो कि मेरी हेयर के रूटीन क्या है। गाइज, मेरी हेयर के रूटीन बहुत ही सिंपल है। ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरमिंग, ये मेरी मतलब वीकली हेयर के रूटीन होती है। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हफ्ते में एक बार मैं हेयर ऑयलिंग जरूर करती हूँ। संडे मेरी हॉलीडे होती है तो मैं उसी दिन हेयर केयर करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ। मॉनसून के लिए ना गाइज, हाफ एन आवर हेयर ऑयलिंग इनाफ होता है। उससे ज़्यादा आपको ऑयल लगाने की मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरनाइट कभी भी मॉनसून में हेयर ऑयल को मत रखिए आपके हेयर पर। तो सिंपली आप अगर थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लो चलेगा, अगर ना करो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं दिस टाइम यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइन का ये मैकाडेमिया नट हेयर ऑयल। बहुत ही नरिशिंग हेयर ऑयल है, डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ऑब्वियसली इसे ट्राई कर सकते हो। डिहाइड्रेटेड, ड्राई, कोर्स, कर्ली हेयर के लिए भी ये बहुत अच्छी एक हेयर ऑयल है। बस ऑयल को लेके मैं पहले स्कैल्प पर यूज़ कर रही हूँ, देन थोड़ी सी मसाज करके लेंथ पर भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद इसे आधा घंटे में छोड़ दूँगी। आधा घंटे बाद आप शैम्पू कर लो आपकी हेयर पर। एंड शैम्पू के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली ये शैम्पू आपसे शेयर कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। स्पेशली अगर मॉनसून में आपकी बहुत ज़्यादा हेयर झड़ रही है गाइज, ये शैम्पू आप जस्ट एक बार ट्राई करो। अगेन, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, सेबामेड का ये शैम्पू है, एंटी हेयर लॉस शैम्पू। जिन लोगों को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, ये शैम्पू एक बार ट्राई कर लो गाइज, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो शैम्पू के बाद मैं ऑब्वियसली मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। तो हेयर को टॉवल ड्राई करने के बाद एज ऑलवेज मैं लिवोन हेयर सीरम ही आपसे शेयर कर रही हूँ बिकॉज ज़्यादा मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। 3-4 पंप लेके पूरी हेयर मतलब हेयर पर लेंथ पर पहले, उसके बाद जो भी बचा कुचा पंप पे रह जाती है उसे मैं ऊपर मतलब स्कैल्प के आसपास अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद हाँ, वेट हेयर पर ऑब्वियसली वाइट टूथ कॉम्ब ही यूज़ करना। तो मैं वाइट टूथ कॉम्ब से अच्छे से हेयर को रिटैंगल कर लेती हूँ एंड इसे एयर ड्राई करने के लिए ही छोड़ देती हूँ एज ऑलवेज। तो हाँ, यही मेरी हेयर की रूटीन है वीकली। अभी मैं इस प्रोडक्ट को आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पैकेजिंग आइकॉनिक का बहुत ही अच्छी होती है गाइज। बाय द वे गाइज, अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अमेजोन पे फ्रीडम सेल स्टार्ट होने वाली है तो काफ़ी अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। या बात करते करते बॉक्स दिखाना भूल गए, दिस इज द बॉक्स गाइज। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है, प्रीमियम पैकेजिंग होती है एंड इसकी वेयर्स भी गाइज काफ़ी बड़ी होती है। अच्छा, इसे 3-in-1 क्यों है, क्यों आप इसे 3 ways में यूज़ कर मतलब कैसे आप इसे 3 ways में यूज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर एक रिलीज बटन होती है, ठीक है, इसे आप दबाओगे तो ये निकल जाएगी। अब ये देखिए, आप ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिए वेव कितना है एंड यहाँ पर देखिए ये कितना डीप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हल्का वेव्स आएगी, यहाँ से आप यूज़ करोगे तो डीप वेव्स आएगी। एंड अगर आप इसे छोड़ के बस इस रॉड को यूज़ करो इसमें हेयर को रैप करके कर्ली टाइप का इफेक्ट करने के लिए, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होगी आपकी 3-in-1 यूज़। तो मैं ऑब्वियसली डीप वेव्स ही चाहूँगी, इस साइड में यूज़ कर रही हूँ, इसे आपको नॉर्मली लगा लेना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है एंड दिस इज द स्टैंड, जब आप इसे यूज़ करोगे इस तरह से यूज़ करोगे। नाउ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। सो गाइस, प्लग इन तो मैंने कर लिया, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है इसकी एंड यहाँ से आप इसे आप घुमाओगे तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। पहले मैं इसे ऑन कर लेती हूँ, ये देखिए ऑन हो गई। अभी इसकी टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जितना टेम्परेचर आप चाहो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 150 से लेके 210 तक इसकी टेम्परेचर है। सो गाइज, एज ऑलवेज जब भी आप हेयर पर कोई भी हीट यूज़ करो, हीटिंग टूल यूज़ करो, हेयर को ऑब्वियसली आप रेडी कर लो। कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या फिर क्रीम आप अप्लाई कर लो। तो मैं एवरी टाइम दिस
टू प्रोडक्ट ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ. लॉरियल का ये ग्रिम लेंथ नो हेयर कट क्रीम है ये, एंड दैट इज़ बी ब्लैंड का हॉट शॉट स्प्रे. दोनों ही हेयर को प्रोटेक्ट करती है हीट से, तो आप जब भी हीट अप्लाई करो उससे पहले इसे आपके हेयर पर अप्लाई कर लो, तो आपकी हेयर जो है ना डैमेज होने से बच जाती है. तो हेयर को मैंने सेक्शन कर लिया, पहले छोटा सा पीछे से एक सेक्शन ले रही हूँ उस तरह की, एंड इस तरह से आपको लगाना है इसे. इसे इस तरह से छोड़ देना है 10 से 15 सेकंड के लिए, एंड यहाँ पर एक लॉक बटन है, आप इसे लॉक कर दो तो ये लॉक हो जाती है. आप बिना टेंशन के इसे आप 10 सेकंड होल्ड करके रखो, कुछ नहीं होगा आपको. दूसरी जगह से मतलब टिप को होल्ड पकड़ना नहीं है. सो 10 सेकंड्स के बाद आप लॉक को अनलॉक कर दो, ये देखिए. ठीक है, फिर नीचे लाओ, फिर इस तरह से अगेन इसे आप दबा के लॉक कर दो. तो है ना काफी इजी फंक्शन. यूज करते करते यहाँ पर टच मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये काफी गर्म हो जाती है, वहां पर टच करने की जरूरत है ही नहीं. सी, मैंने एक ही स्ट्रैंड को अभी मतलब आइकॉनिक होती है, दूसरी कोई ब्रांड से इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती. वाओ, चलिए एक और स्टैंड आपको करके दिखाती हूँ. देख लो गाइस मैं क्या बताऊं, वाओ. अब मेरी हेयर नेचुरली स्ट्रेट है ना, तो आप लोग हमेशा मेरी हेयर स्ट्रेट ही देखते हो. अब ये कर्ल्स मतलब वेव्स देख के आपको बहुत अच्छी से डिफरेंसेस नजर आ रही है ना. तो चलिए अभी मैं पूरी हेयर को आपको ना कर्ल करके दिखाती हूँ, वेवी. गाइस मेरी लुक कितना अलग लग रही है आप देखो. हाँ, तो ये जो वेव है मतलब डीप वेव्स है, मुझे बनाने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. मतलब थोड़ा सा लूज करने के बाद इस तरह की हो जाती है, एंड वाओ, टाइट बीची कर्ल्स वेव्स. माय डॉटर सेड दैट आई एम लुकिंग लाइक मोआना. सो गाइज ये है रिजल्ट आइकॉनिक डीप वेवर का. मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, एंड आपके सामने इसकी डेमो है, रिजल्ट है, आप देख लो कितनी अच्छी है. तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बाई कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. अमेजोन पे फ्रीडम सेल स्टार्ट होने वाली है, तो आप सेल से जाके अगर परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली मिल जाएंगे. एंड हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने और भी आपसे शेयर किया वो भी आप बाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो. सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. Take care and bye-bye.